सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं, आपको जल्दी जल्दी विश्वास तो नहीं होगा, पर चूंकि मेरे आंखों के सामने जो घटित हुआ है उसे नकारा नहीं जा सकता। हमारे चैनल से जुड़े हुए एक सज्जन, उनका फोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। बात थी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, उन्होंने बताया जो कि रिटायर्ड पर्सन हैं, सरकारी नौकरी में थे, आज रिटायर्ड हो चुके हैं और बचपन से उनकी जो लगन थी आयुर्वेदिक दवाइयों पर थी और लगन थी पूजा पाठ, कह सकते हैं आप कि वो एक सिद्धहस्त तांत्रिक हैं। तो जब मैं उनके पास पहुंचा तो कम से कम वहां पर 7-8 महिलाएं बैठी थीं और पुरुष भी थे। मैं भी वहां इंतजार करने लगा और उनसे साक्षात्कार के लिए मैंने समय मांगा। हालांकि समय तो वो काफ़ी देर बाद थोड़ा दे पाए मुझे, लेकिन जो बात वहाँ जाके पता चली वो यह है कि जिन माताओं के बच्चे नहीं हो रहे, 20-25 साल गुजर गए थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, ऐसे लोगों की वहाँ भीड़ रहती है। हालांकि वह रोकते हैं कि मेरे पास मत आओ, पर फिर भी लोग अपने बच्चों को लेकर के पहुंच ही जाते हैं। कई महिलाएं ऐसी थीं जिनकी उम्र 55 के पार थी, 50 के पार थी। अब चूंकि हमारा शरीर क्रिया विज्ञान कहता है कि मेनोपॉज होने के बाद, यानी रजोनिवृत्ति, जिसको कहते हैं कि मासिक धर्म एक उम्र के बाद जाकर के रुक जाता है, 45 से 48-50 तक किसी किसी में चलता है, वरना 42 से 45 तक तो रुक जाता है। वहां जाकर के ये बात पता चली कि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि मेनोपॉज होने के बाद भी महिलाओं को मासिक धर्म आया और उनको संतानें पैदा हुई। आश्चर्य की बात थी मेरे लिए। तो कई लोग तो केवल वहां इसलिए केवल धन्यवाद करने आए थे, उन्हें धन्यवाद देने आए थे और अपने बच्चों को उनके सामने लिटा करके आशीर्वाद ले रहे थे। और जितने भी बच्चे वहां थे वो सब के सब लड़के थे, ऐसा प्रचलित है उनके बारे में कि जब उनके यहाँ का इलाज और उनके यहाँ की क्रियाएं जब चलती हैं, दुआ और दवा एक साथ, तो प्रथम जो संतान होती है वो बच्चे के रूप में लड़का ही होता है।
उनसे मेरी काफ़ी देर बात हुई और कई केस मैंने वहाँ पे आंखों के सामने से देखे भी। तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि विज्ञान जिस चीज़ को नकारता है वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। प्राचीन काल में भी ऐसा होता रहा है कि सिद्ध संतों के आशीर्वाद से संतानोत्पत्ति हो जाया करती थी और एक आयु के बाद में, जबकि उम्मीद नहीं होती थी कि अब संतान पैदा होगी, लेकिन उस समय भी संतानें हो जाया करती थी। और यह है क्रिया, सामने प्रैक्टिकल रूप में जब उसके प्रमाण मुझे मिले तो मैं दंग रह गया। बाबा जी ने बताया कि हालांकि इसमें कुछ खर्च तो आ जाता है, पूजा पाठ में भी लगता है, कुछ दवा में भी लगता है, परंतु लोगों की जो खुशी है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और लोगों ने जैसा वहाँ पर विश्वास व्यक्त किया और वह रोक देते हैं कि चलो तुम्हारे यहाँ कुछ हो गया है तो अब आने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और अपने बच्चों को उनका आशीर्वाद दिलवाते हैं। तो हमने भी उनसे कहा कि ठीक है, अगर मेरे संज्ञान में ऐसे लोग आते हैं तो मैं ये केस कुछ परीक्षण के लिए आपको दूंगा। तो वहां पर बैठे लोगों ने कहा कि परीक्षण क्या करना, हमारे सामने तो प्रमाण है, हमने बहुत सारा इलाज कराया था, हमने सब जगह दौड़ के देख लिया था, हमारे संतान नहीं हुई थी और इन बाबा जी के पास आकर के हमें इनका आशीर्वाद मिला, इनकी दुआएं मिली और हमारे घर में संतान उत्पत्ति हो गई। फिर भी मैंने कहा ठीक है, मैं परीक्षण करता हूं। तो इसके लिए वो तैयार हो गए। मैं अपने सुधी दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के संतान ना हो ऐसे लोग हमारे सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। इसके लिए आप व्हाट्सएप करिएगा और मुझे पूरा विश्वास है बाबा जी पर कि उनके आशीर्वाद से, उनकी उन गूढ़ दवाइयों के माध्यम से और उनकी तपस्या से आपको अवश्य ही लाभ होगा। और जब आपको लाभ हो तो मेरा भी एक स्वार्थ है, जब आपके यहाँ पुत्र का जन्म हो तो मेरा भी एक स्वार्थ है कि हमारी संस्था को आप अनुदान करें और अपने बच्चे के सहित अपनी एक वीडियो बनवाएं जिसे मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करूंगा। मैं वहां पर आई हुई महिलाओं का साक्षात्कार भी ले सकता हूं और मैं अब की बार वहां जाऊंगा तो साक्षात्कार लेकर के वीडियो अपलोड भी करूंगा। और मैं चाहता हूं कि जो लोग हमारे माध्यम से वहां पहुंचे तो उनके वीडियो हम अपलोड करें अपने चैनल पर। उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी दुखी हैं संतान ना होने के कारण, तो ऐसे लोगों को उनके जीवन की असली खुशी मिल पाएगी और इस आध्यात्मिक विद्या के प्रमाण से जन चेतना जागृत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ जय आध्यात्मिक ज्ञान, हर हर महादेव, जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।
जय श्री राम।